नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ वो कहानी आपको काले जादू का एक ऐसा भयानक रूप दिखाने वाली है जो शायद इससे पहले आप सब ने ना कभी कहीं सुना होगा और ना ही कहीं देखा होगा। इस काले जादू के भयानक रूप से शायद सुनने के बाद आप सबको काफ़ी डर लग सकता है। आप भी ऐसी किसी जगह पर जाने से पहले हजार बार सोचेंगे। आज की ये कहानी आज से 15 साल पुरानी बात है और ये जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ ये किसी छोटे शहर की बात नहीं है, ये एक काफ़ी बड़ा उभरता हुआ शहर था उस वक्त जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही थी। आज हम सुरभि के ज़िंदगी में घटी एक भयानक घटना से वाकिफ होने जा रहे हैं। सुरभि जो कि एक बहुत ही सीधी साधी और प्यारी सी बच्ची थी, भी एक बहुत ही समझदार सुलझी हुई और प्यारी सी बच्ची थी। सुरभि की ज़िंदगी एक आम लड़की की ज़िंदगी की तरह बीत रही थी। आज सुरभि की उम्र लगभग 18 साल की हो चुकी थी। उसके ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वो अपने पिता की सबसे लाडली बेटी थी। सुरभि का एक छोटा भाई था जिसका नाम था सौरभ। लेकिन अचानक इन दोनों भाई बहन की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। सुरभि के सर से माँ का साया तो कुछ सालों पहले ही उठ चुका था, लेकिन आज उसके ज़िंदगी से उसके पिता ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके पिता की भी मृत्यु अचानक हो गई थी जिसके वजह से सुरभि के ऊपर अब अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी आ चुकी थी। सुरभि का भाई उससे 8 साल छोटा था और वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। सुरभि ने अपने भाई के ज़िंदगी में कभी भी माँ की कमी उसे महसूस नहीं होने दी, लेकिन अब पिता के जाने के बाद दोनों किरदार इस छोटी सी बच्ची को ही निभाना था, जिसको निभाने के लिए वो अब खुद के दुख से ना निकलते हुए भी खुद को संभालते हुए शुरू कर रही थी। अब सुरभि को अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने भाई की जिम्मेदारियां उठाना ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था, लेकिन सुरभि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो अपनी पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती थी। अब सुरभि के पास कोई रास्ता ना होने के वजह से सुरभि ने एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढना शुरू किया। आस पड़ोस वाले भी काफ़ी अच्छे थे जिन्होंने मदद करने के हिसाब से उनके जानने में जो भी ऐसे छोटे मोटे जॉब होते वो सुरभि को आकर बता दिया करते थे। सुरभि भी हर उस जगह पर पहुंच जाया करती थी जहां से उसे थोड़े पैसे भी मिलने की उम्मीद होती थी, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू करते करते पार्ट टाइम जॉब करना, छोटे भाई का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें सुरभि से संभालना नहीं हो पा रहा था। वो छोटी बच्ची अब काफ़ी परेशान हो चुकी थी, इसलिए आखिरकार उसने ये डिसीज़न ले ही लिया कि अब वो अपनी पढ़ाई बंद कर देगी। जब उसके भाई की ज़िंदगी बन जाएगी तब अगर उसे ऐसा लगा कि उसे अपनी छोड़ी हुई पढ़ाई कंटिन्यू करनी है तब वो ये बात सोचेगी, लेकिन अभी इसमें रास्ता काफ़ी लंबा और मुश्किल होने वाला था। सुरभि ने अब एक फुल टाइम जॉब की तलाश शुरू कर दी थी। सुरभि की तलाश कुछ ही दिनों में पूरी हो गई। वहाँ पर काफ़ी सारे नए पार्लर खुले हुए थे जहाँ पर सुरभि को कुछ काम मिल गया था। सुरभि को ब्यूटीशियन का कोई काम नहीं आता था, लेकिन सुरभि किसी भी चीज़ को सीखने में काफ़ी आगे रहने वाली लड़की थी। और तो और सुरभि के अंदर ये जन्मजात टैलेंट था
कि अगर उसे कोई भी चीज़ 2 से 3 बार दिखाई और बताई जाए तो वो बच्ची उस चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेती थी, और अगर वो उस चीज़ को सीखती तो वो पूरा मन लगाकर सीखा करती थी, जिसके वजह से उस काम में कभी भी कहीं भी किसी भी तरह की कोई कमी वो बिल्कुल नहीं छोड़ती थी। सुरभि के इन्हीं टैलेंट को जानते समझते हुए उसके एक पड़ोसी के बताने पर ही सुरभि ने उस पार्लर में काम करना शुरू किया था। कुछ दिनों तक तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा। सुरभि ने थोड़ा बहुत पार्लर का काम भी सीख लिया था। छोटे मोटे काम वो ऐसे ही अब कर लिया करती थी। लेकिन एक दिन अचानक सुरभि अपना काम कर रही थी और काम करते वक्त उसके दिमाग में काफ़ी सारी परेशानियां, जिनसे वो अपनी ज़िंदगी में अभी जूझ रही थी, उन परेशानियों में से एक परेशानी उसके दिमाग में बार बार चल रही थी। उसके दिमाग में उस दिन काफ़ी उथल पुथल थी, क्योंकि उसी दिन सुबह सुबह उसे ये खबर मिली थी कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसने अपने भाई के स्कूल की फीस नहीं जमा की तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान थी, क्योंकि इतना काम करने के बाद भी उस बच्ची के पास अभी इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने भाई के स्कूल की फीस जमा करवा पाए, जिस वजह से वो पैसे के इंतज़ाम को कहाँ से करना है और कहाँ किससे उसे पैसे मिल सकते हैं, इन्हीं सारे सोच विचार में वो डूबी हुई थी, जिससे उसके काम में उससे एक छोटी सी गलती हो गई। लेकिन आपका किया धरा सब कुछ बेकार हो जाता है आपकी किसी एक गलती, एक कमी के वजह से। यही सेम बात सुरभि के साथ भी वहाँ पर हुई। सुरभि की उस गलती के वजह से उस क्लाइंट ने उस पार्लर की मालकिन को काफ़ी कुछ सुना डाला। सुरभि को भी बाकी नहीं छोड़ा उसने उल्टी सीधी बातें कहने से, जिस वजह से सुरभि को अपने काम से हाथ धोना पड़ा। सुरभि अपने मालकिन के सामने काफ़ी रोई, गिड़गिड़ाई, वो वहाँ पर तड़पती रही, अपनी मजबूरियाँ बताती रही, लेकिन किसी ने भी ना तो उसकी बात सुनी, ना ही उसके परेशानी से किसी को कोई लेना देना था। सुरभि को उस काम से तुरंत पलक झपकते ही एक छोटी सी भूल की वजह से निकाल दिया गया। अब सुरभि रोती बिलखती वहीं उसी रास्ते पर आगे बढ़ती चली जा रही थी, ये सोचते हुए कि अब वो आगे क्या करेगी, पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करेगी। तभी अचानक वो एक गाड़ी के सामने आने ही वाली थी कि किसी ने उसे एक झटके से खींचकर सड़क के किनारे कर दिया। सुरभि की जान तो बच गई, लेकिन उसके बाद भी वो वहीं सड़क के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। गाड़ी वाले ने भी गाड़ी रोक दिया ये देखने के लिए कि कहीं उस बच्ची को कोई चोट तो नहीं लग गई, जिसके वजह से वो इतना रो रही है। गाड़ी रोकने पर उस गाड़ी के अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत महिला निकल कर आई। उस महिला की खूबसूरती देखते ही बनती थी। वो जैसे ही गाड़ी के बाहर निकल कर आई, वहाँ पूरी की पूरी भीड़ सब उसी महिला को देखने लगे, और अचानक सुरभि की नज़र भी उस महिला पर पड़ी। सुरभि भी एक टक से उस महिला को देखने लगी। उसका चेहरा वो निहारते ही अपनी सारी तकलीफ, सारे दुख जैसे थोड़ी देर के लिए भूल गई। उस महिला ने उससे पूछना शुरू किया कि क्या बात है बेटा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई, और अगर चोट लगी है तो चलो मैं चलकर तुम्हारा इलाज करवा देती हूँ। उसके काफ़ी देर पूछने के बाद सुरभि ने उसे सब कुछ बता दिया, और ये भी बताया कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी है, लेकिन वो किस परेशानी से अभी जूझ रही है। और ये बात सुनते ही वो महिला ने मुस्कुरा कर सुरभि से कहा, बस इतनी सी बात, तुम चिंता क्यों कर रही हो बेटा,
मैं भी एक पार्लर चलाती हूँ और मुझे भी मेरे पार्लर में लड़कियों की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। जैसा कि तुम बता रही हो, तुम थोड़ा बहुत काम भी सीख चुकी हो और जितना काम तुमने नहीं सीखा है वो बाकी के काम तुम्हें मेरे यहाँ वाली असिस्टेंट सिखा देंगी। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम देती हूँ। ये बात सुनते ही सुरभि के चेहरे पर एक मुस्कान उभर गई, लेकिन तभी अचानक उसके चेहरे पर उदासी वापस लौट आई। सुरभि ने तुरंत ये कहा कि मैं काम तो कर लूंगी, लेकिन अभी मुझे जितने पैसे चाहिए वो पैसे मेरे पास नहीं है। मैं उसके लिए भी चिंतित हूँ। उस औरत ने अपना दिल बड़ा करते हुए ये कहा, तुम उसकी भी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हें वो सारे पैसे दे दूंगी और तुम उसे एडवांस समझकर रख लेना। सुरभि ये सुनते ही बिल्कुल खुश हो चुकी थी और वो खुशी खुशी वहाँ उनके पार्लर में उनके साथ पहुँच गई। वहाँ पहुँचते ही उसने देखा वहाँ पर चार लड़कियाँ पहले से ही काम कर रही थी और ये पार्लर की मालकिन भी कुछ स्पेशल क्लाइंट्स को ही हैंडल किया करती थी। मालकिन ने तुरंत जाते ही उन चार लड़कियों से सुरभि को मिलवा दिया। वो चार लड़कियां भी काफ़ी अच्छी थीं और उन लड़कियों ने सुरभि के काम सीखने में काफ़ी मदद भी की। सुरभि को वहां के काम करने का तरीका शुरू शुरू में तो काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि सुरभि इससे पहले जिस पार्लर में काम किया करती थी वहाँ पर काम करने का तरीका काफ़ी अलग था और वो जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे वैसी कोई भी चीज़ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन सुरभि ने यही सोचा कि उसे इस लाइन का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, हो सकता है ये जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ये ज़्यादा अच्छी हों। इस वजह से सुरभि ने कोई भी सवाल जवाब नहीं किया और उसने बिल्कुल पहले की तरह मन लगाकर अपना काम सीखना और करना शुरू कर दिया। सुरभि ने कुछ ही दिनों में और ज़्यादा काम बहुत अच्छे से सीख लिया, क्योंकि वो चारों असिस्टेंट उसे काम सीखने में काफ़ी अच्छे तरीके से मदद कर रही थी। और तो और सुरभि को यहाँ पर पहले हाथ साफ करने के लिए डमी वाले चीज़ें भी दी जाती थी, जिसके वजह से गलती करने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। कुछ दिन बहुत अच्छे से निकल चुके थे। अब सुरभि यहाँ का काम भी लगभग आधे से ज़्यादा सीख चुकी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। यहाँ पर उसे पैसे भी पहले वाले पार्लर से 3 गुना ज़्यादा दिए जा रहे थे। ये बात सुरभि को थोड़ी अजीब तो लगी थी, लेकिन उसे ये लगा कि ये मालकिन उसकी मजबूरी को समझते हुए उसके मदद करने के लिहाज से ये सारे पैसे उसे दे रही है। इसलिए उसने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दिया। और कुछ दिन बीतने के बाद सुरभि को अजीब अजीब सी चीज़ें देखने को मिलने लगी। सुरभि को वहाँ पर ऐसी बहुत सी औरतें आती हुई दिखाई देती थीं, जिनके चेहरे पर काफ़ी सारे दाग धब्बे छुरियाँ और बुढ़ापे के साइंस दिखते थे, जिसके वजह से उनका चेहरा काफ़ी अजीब होता था। लेकिन कुछ ही समय के ट्रीटमेंट के बाद उनका चेहरा काफ़ी अलग दिखाई देने लगता था। सुरभि को ये सारी चीज़ें भी सीखनी थी, लेकिन उसकी मालकिन ने यही कहा था कि अभी ये चीज़ें सीखने में तुम्हें काफ़ी वक्त है, पहले पार्लर का बाकी का काम सीख लो, ये सारा काम भी हम तुम्हें ज़रूर सिखाएंगे। कुछ दिन बीतने पर सुरभि ने ये नोटिस किया कि वहाँ पर जिन लोगों के भी बाल काटे जाते हैं उनके बालों को फेंका नहीं जाता। कुछ बाल तो फेंक दिए जाते हैं, लेकिन कुछ बालों को संभाल कर रख लिया जाता है। इस पर सुरभि ने एक बार एक असिस्टेंट से सवाल किया
उस असिस्टेंट ने सुरभि को यही बताया कि हम इन बालों को बेच देते हैं विग बनाने के लिए। और ये बात सुरभि ने पहले भी सुन रखी थी कि जिनके बाल बहुत अच्छे और लंबे होते हैं उनके बाल बिकते हैं। इस वजह से सुरभि के मन में ज़्यादा कोई सवाल नहीं उठे। लेकिन जब सुरभि ने ये नोटिस किया कि कुछ बाल ऐसे भी रख लिए जाते हैं जिनकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती, इस पर सुरभि ने अपने मन में ही ये ख्याल बना लिया कि विग जैसे कि लंबे होते हैं वैसे छोटे भी तो होते हैं। इस वजह से सुरभि ने इस बारे में कोई सवाल दोबारा नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे उसके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगीं। सुरभि को अक्सर अब आते जाते ऐसा महसूस होता जैसे उसके साथ कोई साया बना हुआ है। और तो और सुरभि के आसपास हमेशा किसी के होने का एहसास होना उसके कानों में अक्सर किसी की खुसफुसाहट सुनाई देना। उसके अलावा अब तो धीरे धीरे सुरभि को अपने घर पर भी इन चीज़ों का एहसास होने लगा था। सुरभि ने ये सारी बातें किसी को भी अभी तक नहीं बताई थी। लेकिन सुरभि के पड़ोस में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी जिन्होंने सुरभि को बचपन से लेकर अभी तक काफ़ी लाड़ दुलार किया था। सुरभि भी उनसे काफ़ी जुड़ी हुई थी। इस वजह से वो सुरभि से हमेशा उसका हालचाल पूछने के लिए आ जाया करती थी। एक दिन अचानक ऐसे ही जब वो अम्मा घर पर आईं, तब उन्होंने सुरभि को देखकर कहा, बेटी क्या बात है, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? सुरभि ने कहा, नहीं अम्मा ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन उन अम्मा को सुरभि के जवाब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। उन्होंने ये साफ साफ कहा, नहीं बिटिया कोई तो बात है जो तुझे परेशान कर रही है, जो तू मुझे बता नहीं रही। क्यों, मैं तेरी माँ नहीं हूँ क्या, तू मुझे नहीं बताएगी? सुरभि ने इस पर उनसे अपने मन की बात कहने की सोची। लेकिन जैसे ही वो अपने बात को कहने वाली थी तुरंत उसके भाई ने जोर से अपनी दीदी को आवाज़ लगाते हुए बुलाया और कहने लगा, दीदी मैं लेट हो रहा हूँ, तुम क्या कर रही हो, प्लीज़ जल्दी से मेरा बैग पैक कर दो ना, नहीं तो मैं स्कूल जाने में लेट हो जाऊँगा। सुरभि ये सुनकर बिना अपने मन की बात कहे वहाँ से चली गई और उसने उन अम्मा से कहा, मैं वक्त मिलने पर आपके पास आऊँगी और आकर आपको कुछ बताऊँगी, क्योंकि कुछ तो ऐसा है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ और मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये बात किससे कहूँ। इस पर अम्मा ने यही कहा, बेटा तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो और जो भी बात हो खुलकर बता देना, मैं उस चीज़ के लिए अगर कुछ कर पाऊँ तो भी ठीक, नहीं कर पाऊँ तो भी ठीक। ये बात तो सुरभि को भी पता थी कि अगर कोई कुछ कर सके तो भी ठीक और ना कर सके तो कम से कम मन तो हल्का हो ही जाता है। इस वजह से सुरभि अपने भाई को स्कूल छोड़ते हुए अपने काम के लिए चली गई। लेकिन अब तो उसे धीरे धीरे अपने काम की जगह पर भी वो आवाज़ें सुनाई देने लगीं। आज वो आवाज़ें थोड़ी साफ थीं। सुरभि को बार बार ये सुनाई दे रहा था, यहाँ से चली जाओ, यहाँ से चली जाओ। सुरभि को इस बात का मतलब बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। आज सुरभि के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी, एक अजीब सा डर और घबराहट बनी हुई थी। तभी उसकी मालकिन ने उसे देखते हुए बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उससे एक सवाल किया, क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? सुरभि ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से मन कुछ ठीक नहीं है। इस पर मालकिन ने कहा, आज तुम
आराम करो, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम घर जाओ, दवाई लो और अगर तुम्हें ठीक लगे तो कल वापस आना, वरना आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुरभि भी उनकी बात मानकर घर के लिए निकल गई, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही सुरभि को पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। सुरभि ने रुककर पलटकर देखा, पीछे एक असिस्टेंट ने उसे आवाज़ दी थी। वो वापस लौटकर उसके पास आई। असिस्टेंट के हाथ में एक बॉटल थी, जो बॉटल उसने उसे पकड़ाते हुए कहा, ये लो, तुम इस बॉटल का तेल अपने सर पर लगा लेना, तुम्हें काफ़ी अच्छी नींद आ जाएगी। इस पर सुरभि ने मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद किया और वो बॉटल लेकर घर के तरफ चल पड़ी। घर के तरफ पहुंचते हुए ही उसे अचानक याद आया कि उसे जाकर उन अम्मा जी से बात करनी है, लेकिन अभी जब वो अम्मा जी के घर पर पहुंची तो वहां पर ताला लगा हुआ था। वो देखकर सुरभि चुपचाप अपने घर की तरफ वापस चली गई और सच में सुरभि का मन काफ़ी उदास तो था ही, और तो और उसका सर भी काफ़ी भारी सा महसूस हो रहा था, जिसके वजह से सुरभि ने वो दिया हुआ तेल अपने सर पर लगाया। तुरंत ही उसे बहुत अच्छी नींद आ गई और सुरभि एक गहरी नींद में चली गई। नींद में जाते ही सुरभि को अजीब सी चीज़ें दिखाई देने लगी। सुरभि को अभी तक जो आवाज़ें सुनाई दे रही थी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे 6-7 काले काले साए उसके घर की छत पर मंडरा रहे हैं और मंडराते हुए उसे बार बार ये कह रहे हैं, जाल में तू भी फंस गई, जाल में तू भी फंस गई। और वो तेज तेज हंस रहे थे, जिसके वजह से डर के मारे सुरभि की आँख खुल गई। जब सुरभि की आँख खुली तो दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से बजा रहा था। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने उसका छोटा भाई खड़ा था। भाई ने तुरंत अपनी दीदी से कहा, दीदी तुम क्या कर रही थी, मैं कितने देर से दरवाज़ा बजा रहा था, तुमने दरवाज़ा ही नहीं खोला। इस पर सुरभि ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे सॉरी भैया, मेरी आँख लग गई थी, आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना कर रखा है और मैंने भी आज खाना नहीं खाया, दोनों साथ में ही खाना खाते हैं। दोनों साथ में खाना खाने के लिए बैठ गए। भाई बड़े चाव से खाना खा रहा था, लेकिन सुरभि से आज खाना भी नहीं खाया जा रहा था। अचानक सुरभि को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे उल्टी आने वाली है। वो दौड़कर बाथरूम में उल्टी करने के लिए पहुंच गई। जब वो बाथरूम में पहुंचकर उल्टी करने लगी, तब अचानक उसके उल्टी में अजीब अजीब सी चीज़ें बाहर आने लगी, जिसमें कुछ बाल के गुच्छे भी थे, जिसे देखकर वो काफ़ी डर चुकी थी और धीरे धीरे उसकी हालत अब खराब होने लगी। और अगली सुबह तो उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो बिस्तर से उठने के लायक ही नहीं थी। इस वजह से भाई ने घबराकर उन पड़ोस वाली अम्मा को बुला लिया। जब वो पड़ोस वाली अम्मा आईं, उन्होंने जैसे ही सुरभि को देखा, उन्हें ये बात समझते देर नहीं लगी कि ये कोई आम बीमारी नहीं है। वो तुरंत सुरभि के पास आकर बैठ गई और सुरभि से पूछने लगी कि उसे क्या क्या हो रहा है। सुरभि अब ठीक से बोल पाने में भी असमर्थ थी। सुरभि ने उन अम्मा जी को अपने करीब आने के लिए इशारा किया। अम्मा जी उसके करीब आ चुकी थी। सुरभि ने धीरे धीरे काफ़ी तकलीफ और दर्द भरी आवाज़ में अम्मा जी को शुरू से लेके कल उल्टी होने वाली बात तक सारी बातें एक एक करके बता दी। जैसे ही सुरभि ने उल्टी में बाल निकलने की बात बताई, अम्मा जी का शक अब यकीन में बदल चुका था। वो तुरंत भागकर एक मंदिर में पहुंच गई, जहां वो अक्सर जाया करती थी। वहां पर हमेशा सत्संग
आयोजित होते थे। उसके अलावा भजन कीर्तन में भी वो अम्मा जी ज्यादातर समय उस मंदिर में ही बिताया करती थी। वो मंदिर राम सीता और बजरंगबली का मंदिर था, जहाँ के पंडित जी काफ़ी जानकार पंडित जी थे और वो काफ़ी सालों से इन्हीं भगवान की सेवा में भी लगे हुए थे। उन्होंने काफ़ी सारी सिद्धियाँ भी प्राप्त कर रखी थी, जिसके बारे में अम्मा जी को अच्छे से जानकारी थी। उन्होंने तुरंत पंडित जी के पास पहुंचकर उनको सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनने के बाद पंडित जी ने तुरंत कहा, बिटिया पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर किया गया है, जिसके बारे में मैं ऐसे तो नहीं बता सकता। मुझे बिटिया को चलकर देखना पड़ेगा कि अभी उसकी हालत कैसी है और उसका इलाज किस तरीके से करना चाहिए। ये सुनकर अम्मा जी ने तुरंत पंडित जी को अपने साथ चलने के लिए कहा। दोनों थोड़ी ही देर में तुरंत वहाँ पर पहुँच चुके थे। वहाँ सुरभि की हालत थोड़ी ही देर में और ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। सुरभि के चेहरे पर अजीब से दाग धब्बे उभरने लगे थे। उसके आँखों के नीचे काले भयानक घेरे आ चुके थे। उसकी हालत को देखकर ऐसा जान पड़ता था जैसे वो महीनों से बीमार हो, लेकिन ऐसा था नहीं। पंडित जी ने जैसे ही सुरभि को देखा, उन्हें भी इस बात का तुरंत अंदाज़ा लग चुका था कि सुरभि के साथ कोई बहुत बड़ी और बुरी शक्ति जुड़ चुकी है। लेकिन पंडित जी ने सुरभि के पास बैठकर उसके सर पर हाथ रखकर तुरंत कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। जिन मंत्रों का उच्चारण करके उन्होंने थोड़ी देर तक अपनी आंखें बंद करके वैसे ही सुरभि के सर पर हाथ रखे हुए थे। उसके बाद पंडित जी ने एक झटके से अपनी आंखें खोली और कहा, बिटिया की जिंदगी खतरे में है, बिटिया को कोई काला जादू करके अपने साथ लेकर जाना चाहता है। ये बातें अब तो साफ हो चुकी थी कि सुरभि के साथ कुछ बहुत गलत हो चुका है, लेकिन कैसे और किसने किया है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए पंडित जी ने बिटिया की कुछ चीज़ें ले ली और वो चीज़ें लेकर वो मंदिर में पहुंच चुके थे। सुरभि की ऐसी हालत बिल्कुल नहीं थी कि उसे उठाकर मंदिर तक ले जाया जाए। इस वजह से पंडित जी ने अपने हिसाब से सारे उपाय करना शुरू किया। वो वहाँ पर सुरभि की कुछ चीज़ों के साथ कुछ पूजा करने लगे। वो पूजा लगभग 1.5 घंटे तक चली और उस 1.5 घंटे की पूजा के बाद पंडित जी को सारी बातें अपने आप समझ में आ चुकी थी और पंडित जी उस हिसाब से सारी तैयारियां करके वहाँ पर पहुँच चुके थे। जैसे ही पंडित जी वहाँ पर पहुँचे, पंडित जी ने तुरंत सुरभि के बिस्तर के आसपास हल्दी कुमकुम और कुछ अजीब सी सामग्री से रेखा बनाना शुरू किया। जैसे ही पंडित जी ने वो रेखाएं बनाना शुरू किया, सुरभि बहुत जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी। पंडित जी ने अम्मा जी को पहले ही बता रखा था कि ये क्रिया करने पर सुरभि बहुत ज़्यादा चीखेगी, चिल्लाएगी, तड़पेगी, हो सकता है मदद के लिए पुकारे भी, लेकिन तुम में से किसी को भी उसके पास नहीं जाना है। ये सारी क्रियाविधि करते वक्त उन्होंने पहले ही उस छोटे बच्चे को वहाँ से हटा दिया था। उस घर में उस वक्त सिर्फ वो अम्मा जी, सुरभि और पंडित जी ही थे। सारी क्रियाविधि करते वक्त उन्हें जो जो चीज़ें जैसे जैसे अम्मा जी को बताई थी, वही सारी चीज़ें अम्मा जी करती जा रही थी। बाकी की सारी क्रियाएं पंडित जी कर रहे थे। सुरभि इतना तेज तेज चीख और चिल्ला रही थी कि उसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। बाहर उसके भाई को भी वो आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन आस पड़ोस के सारे लोगों को अब ये बात पता चल चुकी थी कि सुरभि के साथ क्या परेशानी हुई है।
तो इस इलाज में ऐसी चीजें होती हैं। पड़ोस वाले भी काफी अच्छे और मदद करने वाले लोग थे। उन्होंने उस बच्चे को जैसे तैसे संभाल कर और रोक कर रखा था। उसके बाद 3 दिन तक पंडित जी ने यही सारी क्रियाएं लगातार की। 3 दिन तक सौरभ वहीं पड़ोसियों के यहाँ ही रुका हुआ था। सुरभि उस घर में सिर्फ अम्मा जी के साथ ही रात में रुका करती थी। रात में रुकने के वजह से अम्मा जी को काफ़ी सारी हिदायतें दी गई थीं और अम्मा जी भी इन चीज़ों से अच्छे से वाकिफ थीं। इस वजह से वो सुरभि के किसी भी जाल या छलावे में नहीं फंस रही थी। इन 3 दिनों तक सुरभि और अम्मा जी दोनों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार सुरभि की ज़िंदगी बच चुकी थी। और अब ये बात सुरभि को भी पता थी और मोहल्ले के सारे लोगों को कि सुरभि पर ये क्रियाएं किसने और कैसे की थीं। सुरभि के ठीक होते ही तुरंत सुरभि को एक कवच दिया गया जो कि एक तावीज के रूप में था, जिससे कि सुरभि की सुरक्षा हो सके। और कुछ ही दिनों में उस पार्लर को भी बंद करवा दिया गया, क्योंकि उस पार्लर में ये प्रक्रिया करीब 8 सालों से चली आ रही थी। वो ऐसी ही जवान लड़कियों की सारी चीज़ें छीन कर बूढ़ी बदसूरत और अजीब सी औरतों को काले जादू के माध्यम से प्रदान किया करती थी, जिसके वजह से उनका पार्लर वहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा चलने वाला पार्लर में से आया करता था। ये सारी चीज़ों का खुलासा होने के बाद उस शहर में काफ़ी वक्त तक सारे पार्लर को ऐसे ही शक की निगाह से देखा जाने लगा था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कोई एक अगर करता है तो हम सबको ऐसे ही गलत निगाह से देखें। हाँ, लेकिन कहीं भी आपको सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी चीज़ पर आपको ऐसा शक लगता हो तो उस जगह से दूर रहने में ही हम सबकी भलाई है, क्योंकि ऐसी चीज़ों का प्रकोप जब किसी पर टूटता है तो ज़रूरी नहीं कि आपकी और मेरी मदद के लिए भी ऐसे कोई अम्मा जी या पंडित जी हमेशा सही वक्त पर पहुंच सकें। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।